अल्लाक वरह एक दफा सुल्तान सलाूबी अपने कमरे में बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे इशा के बाद का वक्त था कि अचानक सुल्तान सलाउद्दीन नूबी रही की आँख खुली सुल्तान ने मुहाफ़ को आवाज़ दी एक मुहाफिज अंदर आया जो बाहर दरवाज़े पर सुल्तान की हिफाजत पर मामूर था सुल्तान ने उसे इशारा दिया और उसने सुल्तान को एक प्याला पानी भर कर देते हुए पीछे की तरफ हटा सुल्तान ने पानी पिया और दोबारा आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गया चंद्रमे गुजरने के बाद भी सुल्तान को नींद नहीं आ रही थी सुल्तान कभी इतर करवट बदलता तो कभी उधर लेकिन नींद थी के आने का नाम ही नहीं ले रही थी सुल्तान कभी बिस्तर पर लेता तो कभी बिस्तर पर उड़ खड़ा होता लेकिन नींद फिर भी नहीं आई थोड़ी देर सोचने के बाद सुल्तान सलादीन याूबी रहमतल्ला ने को अंदर बुलाया और कहा कि तुम इसी तरह कमरे की हिफाजत पर रहना और किसी को भी उस बात की खबर ना हो कि मैं बाहर सैर तफरी के लिए जा रहा हूँ सुल्तान ने काले रंग का कपड़ा उठाया मुँह पर लपेटते हुए सुल्तान सलादीन ऊबी रहमत आल अपने कमरे से बाहर चल पड़ा चलते चलते सुल्तान सलाउद्दीरबी अलैह का गुज़र एक खस्ता हाल झोपड़ी के पास से हुआ जिसमें बूढ़ा इमाम साहब और बूढ़ी औरत आपस में गुफ्तु कर रहे थे इमाम साहब बूढ़ी औरत को कह रहे थे कि अब मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है मैं अब मस्जिद में इमामत नहीं कर सकता नमाज में तिलावत करते वक्त मेरी जबान लड़खड़ाती है मेरे घुटनों में इतनी ताकत नहीं कि मैं इतनी सर्दी में इतनी सुबह बाहर चल कर मस्जिद में जाऊँ और इमामत करवाऊँ लिहाजा मैं वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी लेकर आना चाहता हूँ जो इबादत कर सकूँगा अपनी इस खस्ता हाल में करूँगा उसकी बीवी कहने लगी हजूर जैसा आपका दिल करेगा लेकिन फिर इमाम साहब ने कहा परेशानी की बात यह है कि मेरे पास एक छोटा सिक्का भी नहीं हम दावत की रोटी का बंदोबस्त कैसे करेंगे और अल्लाह ने मुझे औलाद जैसी नमत से बाहरूम रखा मेरी औलाद भी नहीं जो हमें कमा कर खिलाए तो अगर मैं इमामत नहीं करूँगा तो कबीले का सरदार मुझे तनख्वाह कैसे देगा और हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा ये सब बातें सुल्तान सलाउद्दीन एवबी रहमुल्ल उसकी सुन रहा था फिर बूढ़ा कहने लगा कि कल सुबह सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रह अलह के दरबार में हाजिर हूँगा और सुल्तान से इंतजा करूँगा और मुझे यकीन है कि सुल्तान मज़्म मेरी ज़रूर मदद करेंगे सुबह सुल्तान सलाहुद्दीन अबी रहमत ला दरबार में तशरीफ़ लाए तो इतने में वही बूढ़ा बुजुर्ग सुल्तान के सामने हाजिर हुआ और कहा सुल्तान मौजम मैं फला मस्जिद का इमाम साहब हूँ अब मेरी उम्र अस्सी साल से भी ज़्यादा हो गई है आप इमामत करना मेरे पास की बात नहीं लिहाजा मैंने मस्जिद से इमामत की ज़िम्मेदारी से इस्तीफ़ा दे दिया लेकिन परेशानी की बात यह है कि मेरी कोई बेटा नहीं जो अब हमें कमा कर खिलाए और ना ही मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है जिसको मैं बेचकर अपना और अपनी बीवी का पेट भर सकूं। ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमत ला ने खजानची को हुक्म दिया और खजानची ने 100 सौ सोने के सिक्के और चांद चांदी के सिक्के उस बुज़ुर्ग को दिए और वो बुजुर्ग सुल्तान सलादीन अयूबी रमतल को दुआएँ देता हुआ वहाँ से रुख हो गया अब बुज़ुर्ग के पास बहुत सारा सोना आ चुका था बुज़ुर्ग ने सोचा कि आप इससे मैं अपना घर बनवाऊंगा और बाकी बची हुई रकम से अनाज खरीदूंगा और कुछ सिक्के छुपा कर रख दूंगा जो आने वाले वक्त में हमारे काम आएंगे बूढ़ा इमाम सीधा अपनी बीवी के पास गया और उसे खुशखबरी देते हुए कहा कि अब सुल्तान ने हमें मालामाल कर दिया है जिससे हम एक अच्छा सा घर भी बनवा सकते हैं अब हमें इस झोपड़ी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं और बाकी बच्चे पैसों से अनाज भी ख़रीदेंगे और इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी रकम बच जाएगी अब बूढ़े ने हिफाजत के लिए एक संदूक निकाला जो कि शक्ल से बहुत पुराना था उसमें वो रकम छुपा दी और आराम करने के लिए सो गया जब सुबह का वक्त हुआ तो बूढ़ा इमाम सीधा संदूक के दरवाजे पर गया तो देखा कि संदूक बिल्कुल खाली था ये देखकर वह बूढ़ा इमाम बड़ा परेशान हुआ और सोचने लगा क्या हमारे खेमे में कोई भी नहीं दाखिल हुआ तो आखिर ये सोना कहाँ जा सकता है वह अपना मुकदमा लेकर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहा के पास गया और उसे सारी सूरत हाल बताई सुल्तान ने दोबारा खजांची को हुक्म दिया और कहा कि इसे सौ सोने के सिक्के और चाँद चांदी के सिक्के देकर रुख कर दो अब वह बूढ़ा बुजुर्ग दोबारा रकम लेकर वापस आया और संदूक में रख कर झोपड़ी के दूसरे कोने में छुपा दिए लेकिन जब दूसरी सुबह हुई तो बूढ़े इमाम ने उस संदूक को खोला तो उसमें फिर से वो रकम गायब थी अब वो सुल्तान के पास गया और दोबारा सुल्तान को सारी सूरत हाल बताई तब सुल्तान ने फिर अपने खजांची को हुक्म दिया और सौर सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के देते हुए खजांची ने बूढ़े इमाम को रुखसत कर दिया लेकिन इस बार सुल्तान सलाउद्दीन नूबी रू खुद सोचने लग गया कि आखिर इस बूढ़े के साथ कौन ज़्यादाती कर रहा है कौन इसकी रकम चुरा रहा है आज रात मैं इस बात का पता लगा लूँगा इधर उड़ा भी अब रात को सोने की बजाय उस संदूक के साथ बैठकर उसकी हिफाजत करने लगा सुल्तान सलाउद्दीन नबी रे ने इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर बिस्तर पर आराम किया और उसके बाद उठते ही दोबारा उस बुजुर्ग की झोपड़ी की तरफ चल पड़ा सुल्तान बेज़ में छुपा आकर हैमे के साथ लग गया और देखा कि अंदर से दो आदमियों की आवाज़ आ रही है सुल्तान बड़ा हैरान हुआ कि इस झोपड़ी में तो एक बूढ़ा इमाम और एक बूढ़ी औरत रहती है लेकिन ये दो मर्दों की आवाज़ कैसे सुल्तान ने जब दरवाजे से झांक कर देखा तो सुल्तान के पैरों तले ज़मीन निकल गई क्योंकि सुल्तान सलाउद्दीन यूपी रहा की शक्ल का एक आदमी जिसने सुल्तान का भेष बदला हुआ था और उस बूढ़े इमाम को कहा कि खजाने में सोने की कमी हो गई है जिसकी वजह से मैं ये सोना तुमसे वापस लेने आया हूँ हालात बेहतर होने के बाद तुम दोबारा ये सोना ले जाना सुल्तान समझ गया कि ये वही आदमी है जिसने मेरा भेष बदला हुआ है पहले तो ये दो रातें सोना चुराता रहा जब तीसरी रात इसने देखा क्या यह सोना नहीं चुरा सकता तो मेरे भेष में इस बूढ़े इमाम से यह रकम बटोरना चाहता है सुल्तान सलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उसी वक्त खैमे के अंदर दाखिल हुआ और उस बहरुपिये को पकड़ कर सीधा महल में ले गया और सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसको जंदान में डाल दो सुबह मेरी अदालत में पेश करना और उस बूढ़े इमाम साहब को कहा क्या मुजरम पकड़ा गया है तुम आराम से सोने को रख कर सो जाओ तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं जब सुबह हुई तो सिपाहियों ने इस बहारुपिये को जिसने सुल्तान सराहुद्दीन रहमतुल्लाह रह रम्ला का भीष बतरा हुआ था सुल्तान के सामने हाजिर किया सुल्तान ने उससे पूछा कि बताओ तुमने दो रातें उस बूढ़े इमाम का सोना चोरी किया पहली बात तो यह है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो सोना कहाँ छुपा कर रखता है और दूसरी बात तुम उसका सोना क्यों चुराते थे अगर तुम चोर होते तो बाकी जगहों पर भी तुम चोरी कर सकते थे लेकिन सिर्फ उस बूढ़े इमाम के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है उसने कहा सुल्तान मज़्म बेशक मेरा तरीका गलत था लेकिन मेरा मकसद गलत नहीं है इतने में सुल्तान का वजीर बोला और कहा हजूर या आपको अपनी चिकनी चौपड़ी बातों से मौजूद से हटाना चाहता है आप इसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें उसने बुरे इमाम के साथ ज़्यादती की लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन सलादीन नूबी रे ने वजीर को चुप कराते हुए कहा कि उसको अपनी बात की वजाहत करने दो सुल्तान ने उससे पूछा कि बताओ तुम्हारा मकसद किस तरह नेक था उसने बताते हुए कहा कि सुल्तान मज़्म सारी ज़िंदगी इस इमाम साहब ने अपनी तरखा से ऐश इशरत में गुजार दी सिर्फ खाने पीने में लगा रहा लेकिन अपनी आखिरत के लिए इसने अपना मजबूत घर नहीं बनाया और जिस मस्जिद में ये इमाम साहब इमामत फरमा रहे थे वो मस्जिद काफ़ी ज़ायफ़ हो चुकी थी इसलिए कबीले वालों ने एक ज़मींदार से चंदा इकट्ठा करके ज़मीन का टुकड़ा मस्जिद तामीर करने के लिए ख़रीदा जब यह बात इमाम साहब को पता चली तो इसने तमाम कबीले वालों को इस बात पर मुतमिन कर लिया क्या हम उसी ही जगह पर दोबारा मस्जिद तामीर करेंगे और इस नई जगह पर इमाम साहब अपना घर बनाएगा क्योंकि इमाम साहब के घर को भी अब मस्जिद से कम ना समझें और लोगों की यह देखें कि उन्होंने इमाम साहब की बात को तस्लीम कर लिया और अब ये इमाम साहब के पास ये मसला था कि इस जगह घर तमीर करने के लिए ये पैसे कहाँ से लाए इसलिए इसलिए यह नाटक किया और आपके पास आकर रकम ले गया जब उस बात की खबर मुझे हुई तो मैंने भी उसी दिन से ठान लिया कि मैं इसको मस्जिद की जगह पर अपने घर बनाने की इजाज़त नहीं दूंगा ये सुनकर सुल्तान सलाहद्दीन रहा ने कहा कि तुम सीधा मेरे पास भी आ सकते थे तुमने उस बुजुर्ग के संदूक से सोने के सिक्के चोरी क्यों किए उस आदमी ने कहा हजूर मुझे डर था कि मिलने के लिए मुझे बहुत सी मुश्किल से गुजरना पड़ेगा और आपसे मुलाकात करते करते इतने बात में ये पूरा वहाँ पर अपने घर की तामीर शुरू करा देता इसलिए मैंने यही तरीका बेहतर समझा और उसके सारे सोने के सिक्के चोरी कर लिए ताकि ना ही इसके पास रकम बचे और ना ही ये मस्जिद की जगह पर घर तामीर कर सके सुल्तान सलाउद्दीन अलैह ने जब तमाम कबीले वालों को अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या इमाम साहब मस्जिद वाली जगह पर अपना घर बना रहे हैं तो तमाम कबीले वालों ने उस बारुपये की बात को गलत करार दिया और कहा कि नहीं सुल्तान मज़्म ये ज़मीन तो हमने इमाम साहब के घर के लिए ख़रीदी थी अब सुल्तान के हम शक्ल को भी पता चल चुका था कि इमाम साहब ने उन कबीले वालों को भी ख़रीद लिया क्योंकि उसके पास सुल्तान के दिए हुए सिक्के आ गए अब सुल्तान सलादीन अयूबी रमतल ने अपने हम शक्ल को कहा कि इस बात को तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि जिस जगह वो आदमी घर परवा रहा है वो मस्जिद की जगह है अगर तुम इस बात को साबित ना कर सके तो मैं तुम्हें तमाम कबीले वालों के सामने संसार करवा दूँगा यह सुनकर वह नौजवान बड़ा हैरान और परेशान हुआ और वहाँ से चला गया सुल्तान सलाउद्दीन रहमतुल्लाह रही ने इमाम साहब को पैगाम भिजवाया कि तुम अपने घर की तामीर शुरू करवा दो अब उस बारुपियो को अपनी मौत वाजी नजर आ रही थी रात का वक्त हुआ सुल्तान का हम शक्ल आदमी जाहिर नमाज पर बैठा अल्लाह से दुआ मांग कर गिड़ लगा और कहने लगा ऐ ना तू तो ही अपना करिश्मा दिखा दे मैं हक़ के लिए लड़ रहा हूँ मेरी मदद फरमा मेरे पास कोई सबूत नहीं जो मैं सुल्तान मज़्म के सामने पेश करके इमाम साहब को गलत साबित कर सकूँ अब इधर इमाम साहब के घर की तमीर शुरू हो चुकी थी और सुल्तान का उसा उस आदमी के लिए बढ़ता जा रहा था सुल्तान ने उस आदमी को पैगाम भिजवाया कि जिस दिन इस इमाम साहब के घर की तामीर मुकम्मल होगी उसी दिन ही मैं तुम्हें तमाम कबीले वालों के सामने कदर कर लूँगा चंद दिनों के बाद जब उस आदमी के घर की तमीर आधी हो गई तो इतने में अचानक सुल्तान सलाउद्दीन यूबी र को ख़बर मिली कि हज़ूर बग़ैर किसी आंधी के बग़ैर किसी तूफान के इमाम साहब का घर गिर कर विया मेट हो गया जब यह ख़बर सुल्तान ने सुनी तो उस वक्त सुल्तान के दिल में यह ख्याल आया कि वह बहरूपिया तो बिल्कुल सच कह रहा था क्योंकि अगर उसने मस्जिद की जगह पर घर ना बनाया होता तो आज बग़ैर किसी वजह के ये घर ना गिरता ये अल्लाह ताली की तरफ से इशारा है सुल्तान सलादीन यूबी रहमतुल्लाह अ ने फौरन अपने सिपाहियों को और उस बुपियों को साथ में लिया और उस मस्जिद वाली जगह पर पहुंच गया सुल्तान सलादीन यूबी रहमुल्ला ने इमाम साहब को कहा कि जब तुम्हारा मकान गिरा तो उस शब कोई आंधी आई थी उसने कहा नहीं सुल्तान ने पूछा क्या जंदला आया उसने कहा नहीं सुल्तानी मुअज़्ज़म फिर सुल्तान ने कहा कि अब ऐसी वजह पेश करो जिससे यह साबित हो जाए कि यह तुम्हारा मकान क्यों गिरा है वरना इस बारुपे की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि तुमने मस्जिद वाली जगह पर घर बनाने की कोशिश की और अल्लाह की तरफ से ये इशारा है कि मस्जिद की जगह पर तुम कभी घर नहीं बना सकते इसलिए तुम्हारा ये घर गिर गया सुल्तान ने उसे कहा कि अगर तुम अपनी बात को साबित ना कर सकें तो इसी वक्त में इस मलबे के नीचे डलवा कर ऊपर मस्जिद तामीर करवा दूंगा उसने कहा सुल्तान मौसम मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ मैं जमीन को टुकड़े को देख कर लालच में आ गया था और मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी इबादत के बदले और मस्जिद की खिदमत के बदले में ज़मीन का टुकड़ा अपने पास रख लूँ तो सुल्तान ने कहा कि तुमने अपनी सारी जिंदगी की इबादत अपनी मुश्किल सिर्फ एक ज़मीन के टुकड़े के लिए गवा दी तुम जैसा बदनसीब इंसान मैंने कभी नहीं देखा और उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अलैह रह ने बूढ़े इमाम को जिला वतन कर दिया और कबीले के जिन लोगों ने उसके हक़ में झूठी गवाही दी थी उनको जरदार में तीन साल की कैद के लिए बंद करवा दिया और उसके बाद सुल्तान अयूबी ऐूबी रहमतल्ला रह ने हुक्म दिया कि उस जगह पर शाही ख़जाने से एक ऐसी मस्जिद तामीर की जाए जो ताक़ क़्यामत रहे और कहते हैं कि वो मस्जिद अभी तक उस जगह पर मौजूद है